सतगुरु के परमार्थनी कृष्णों के वृत्तांत नामक इस ग्रंथ में डेरा सच्चा सौदा के पूजनीय तीनों पातशाहियों पूजनीय बेपरवाह साहब मस्ताना जी महाराज, पूजनीय परमपिता साहब सतनाम सिंह जी महाराज व पूजनीय मौजूदा हजूर पिता संत गुरुवीर राम रहीम सिंह जी हिंसा से संबंधित उनके वो रहमो कर्म के परमार्थनी कर्ष में संग्रहित हैं, जिन्हें सत्संगी प्रेमियों ने स्मरण अभ्यास के दौरान अनुभव किया है या प्रत्यक्ष रूप में देखा व महसूस किया है। सत्संगी प्रेमियों के उन्हीं रूहानी अनुभवों को पूज हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने सतगुरु के परमार्थमी कृष्णों के वृत्तांत भाग एक के नाम से ग्रंथ के रूप में प्रदान किया है। प्रेमी पूरा सिंह सेवादार गांव मनकाड़ा तहसील तलवंडी साबो जिला भंडा से लिखता है कि दो जहान वाली परम पिता साहब सतनाम सिंह जी महाराज ने उनके गांव के कुएं का खारा पानी मीठा किया है। उस अनोखे खेल का वर्णन इस प्रकार है। दिसंबर 1965 की बात है। परमपिता साहब सतनाम सिंह जी महाराज ने मलकाड़ा गांव में सत्संग मंजूर किया। मैं और मेरे गांव की सात संगत मिल जुलकर सत्संग की तैयारी कर रही थी। उन्हीं दिनों गांव के कुछ शंकावादी जीवों ने प्रश्न उठाया कि यदि सच्चा सौदा वाले पूर्ण संत महात्मा है तो हमारे गाँव के कुएं का खारा पानी मीठा कर दें। सत्संग का दिन आ गया। परम पिताजी दो जहान वाले सच्चे पातशाह सत्संग करने के लिए हमारे गांव मलकाना में पधार गए। सहन साहब जी के पहुंचने पर सात संगत व मैंने परिवार सहित बहुत ही खुशी मनाई, क्योंकि हमारा रहवर स्वयं चलकर हमारे घर आ पहुंचा था। सात संगत को उतारे वाले घर कुछ देर दर्शन देने के बाद सत्संग का प्रोग्राम शुरू करवा दिया गया। सहनसाह जी थोड़ी देर बाद सत्संग में जा विराजमान हुए। सत्संग के बाद नाम दाम देकर जब परम पिताजी वापस अपने उतारे वाले घर आ रहे थे तो रास्ते में प्रेमी हकीम सिंह ने सच्चे पातशाह कुल मालिक के पास प्रार्थना की कि सहनसाह जी आप जाते जाते अपने नादान बच्चे के घर भी जरूर चरण डालकर जाएँ। आप जी के घर पधारने से हमारे परिवार को आत्म शांति व आप जी का सच्चा प्यार मिलेगा। हकीम सिंह जी की अरदास प्रवान हो गई। सहनसाह जी सात संगत के साथ जा रहे थे। रास्ते में विराट कुआ था। अंतर्यामी दाता जी एकदम उस कुएं के पास जाकर रुक गए। सहनसाह जी ने कुएं की तरफ हाथ से इशारा करते हुए फरमाया, भाई यह कुआ उदास क्यों है? इस पर प्रेमियों ने बताया, परम पिताजी इसका पानी इतना खारा है कि इसे पीने से दस्त लग जाते हैं, इसलिए गांव वाले इसका पानी नहीं पीते। उसी समय प्रेमियों ने दयालु परम पिताजी के चरणों में अर्ज कर दी, सहनसाह जी इस कुएं का पानी मीठा हो जाए, सारे गांव वालों की बस यही इच्छा है। लेकिन मालिक तो बिना कहे ही वह कार्य करना चाहते थे, इसलिए परम पिताजी ने कुएं के बारे में बात चलाई थी। दयालु दाता सच्चे पातशाह जी ने अपने आप को छिपाते हुए अपने नूरी मुकड़े से फरमाया, भाई हम तुम्हारे लिए सहनसाह मस्ताना जी के पास अरदास करते हैं, शायद तुम्हारी वह अरदास मंजूर हो जाए। इसका पानी तो जरूर मीठा हो जाएगा, परंतु तुम तो हाथों पर सरसों उगाने वाली बात करते हो। सच्चे पातशाह सर्वशक्तिमान जी के वचन तो हो ही गए थे, वह टल नहीं सकते थे। सहनसाह जी की मेहर का सदका उस कुएं का पानी मीठा हो गया। गांव के शंकावादी लोग यह देखकर हैरान रह गए। कई वर्षों से वीरान पड़े उस कुएं का पानी मीठा होने से गाँव वासियों के भाग जाग गए। घट घट के जाननहार कुल मालिक जी ने गांव के लोगों की इच्छा को पूरा कर दिया। परम पिताजी के इस परोपकार के लिए सारे गाँव वाले सहनसाह जी का लाख लाख शुक्राना करने लगे। गाँव सारा अब भी उसी कुएं से पानी लेता है।
यह कुल मालिक की दया मेहर का प्रत्यक्ष प्रमाण है। कोई भी जीव अब भीख हुए को आंखों से देख सकता है और गांव वासियों से उसका इतिहास सुन सकता है। गांव वाले अब भी परम पिता जी की उस दया मेहर का एहसान मानते हैं। परम पिता जी ने मनकाड़ा गांव के लोगों के प्रबल प्रेम को देखते हुए वहां कई सत्संग किए और बहुत सारे जीवों को नाम की अनमोल दात बख्शकर संसार सागर से पार किया। इस साखी से स्पष्ट होता है कि पूर्ण संत महात्माओं के वचन अटल होते हैं। बेशक सारा ब्रह्मांड पलट जाए परंतु संतों के वचन नहीं पलटते।